मकर राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आप यह एक व्यक्ति का नाम पता सब कुछ जान लो जो पिछले कई सालों से आपकी पीछे लगे हैं, आपकी जिंदगी या खत्म करना चाहता है। आखिर क्यों ऐसा कर रहा है, कौन है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ कैसे आप इनसे बच सकते हैं, कैसे आप इनको अपने जीवन से निकाल कर फेंक सकते हैं, सभी जानकारी विस्तार से बताने वाले। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज का यह वीडियो नहीं आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिन्हें आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों आपकी कि मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। मेरे मित्रों, आप सभी का ज्योतिष की इस बेहद ही खास और चेतावनी भरे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं उससे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। या दोस्त, यह जानकारी कोई सामान्य जानकारी नहीं है। सामान्य तौर पर लोग इन सब विषयों पर बात करने से थोड़ा सा कतराती हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि आपका ही कोई अपना है जिसने आपके ऊपर एक प्रकार का टोटका किया हुआ है, एक तंत्र आपके ऊपर आजमाया हुआ है। प्यारे दोस्तों, आपको इसके बारे में फलक तक नहीं है। आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ आसान है और सब कुछ सामान्य है, लेकिन प्यारे दोस्तों ना तो कुछ आसान है और ना ही कुछ सामान है। आप थोड़ा अपने आसपास नजर दौड़ाकर देखिए, क्या आपसे कम काबिल लोग आपसे ज्यादा कामयाब नहीं हैं? क्या आपसे कम बुद्धिमान लोग समाज में ज्यादा सम्मान प्राप्त नहीं कर रहे हैं? आप किसी इंसान हैं यदि पूरी क्षमता से कार्य करें, एक बहुत बड़ा नाम बना सकते हैं, बहुत कामयाबी हासिल कर सकती हैं, लेकिन सब कुछ आपके पास होते हुए भी, यानी कि बौद्धिक बल होने के बाद भी, क्षमता होने के बाद भी, योग्यता होने के बाद भी आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही है। आप केवल और केवल संघर्ष में जीवन बिता रहे हैं। हालांकि एक दो बार आपके जीवन में ऐसा हुआ है या आपको कामयाबी मिलनी शुरू हुई है, लेकिन ज्यादा समय तक आप उसे संभाल कर नहीं रख पाए हैं। एक दो बार तो हद ही हो गई है जब आपकी जान जाते जाते बची है। अपने जीवन के बारे में विचार करके देखिए, एक बार ऐसा अवसर भी अवश्य आया था जब आपको ऐसा लगा कि अब तो आपकी जान चली जाएगी, लेकिन शायद आपकी पुर के पूर्वज या फिर आपके कुल देवी या देवता का आशीर्वाद रहा होगा जिन्होंने आपकी जान जाने से बचा ली। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपके रक्षक भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे यदि आपके आसपास तंत्र का एक आवरण है। जिन प्यारे दोस्तों ही और कुछ तांत्रिक क्रियाएं तो इतनी शक्तिशाली होती हैं कि भी देवी देवता की शुद्ध सकारात्मक शक्ति को पूरी तरह से रोक देती है। इसी का प्रमाण यह है कि कुछ लोग जो सादा जीवन जी रहे होते हैं, सकारात्मक जीवन जी रहे होते हैं, अचानक उनकी संगत पूरी तरह से बिगड़ जाती है और भी ऐसी ऐसी लाखों में पड़ जाते हैं जो शराब आदि में डूब जाते हैं कि फिर मृत्यु हुई उनका समाधान होती है। अब तांत्रिक क्रियाओं का एक विशेष प्रभाव यह भी रहता है कि यह आपको धर्म की स्थिति में डालती है, यानी कि आपको सब कुछ ठीक होने का और सामान होने का भ्रम उत्पन्न करती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, हमारे कहने से आप विचार करके देखिए कि क्यों आपके जीवन में लगातार एक के बाद एक कष्ट बने हुए हैं, क्यों आपको मनचाही सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, क्यों आपका जीवन नहीं बदल पा रहा है। कहीं तो कुछ बात है, कोई ना कोई तो ऐसी बात है जो आप मिस कर रही हैं, जिसके बारे में आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज आपके मन के सारे प्रश्नों के जवाब हम देने वाले हैं इस ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से। आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखना है और हम गारंटी देते हैं इस ज्योतिष कार्यक्रम के समाप्त होते ही आपके मन में 1 किलो जागेगी, एक नया विचार उत्पन्न होगा और यही विचार एक क्रांति बनकर आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दी। आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखना, हमारे कहने से एक बार इस ज्योतिष कार्यक्रम को देख लो,
फिर यदि आपको ज्योतिष कार्यक्रम पसंद ना आए, हमारे द्वारा बताई गई बातें आपको अच्छी ना लगे, तो फिर आप हमारे ज्योतिष कार्यक्रम कभी मत देखना प्यारे दोस्तों। हम यह बड़ा दावा कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने द्वारा दी गई जानकारी पर पूरा भरोसा है। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ, जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ को पुकारता है, वैसे ही आप जगत जननी माँ भवानी को पुकारे। किसी माँ हम पर कृपा करो, हमारी रक्षा करो। ये प्यारे दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि माता आपके हृदय की करुण पुकार ओ जी सुनेगी और आपके जीवन को बदलने के लिए तत्पर तैयार हो जाएंगे। हम भी माता से ऐसी कामना करेंगे कि आपके जीवन में नई क्रांति आई और आपका जीवन बदल जाए, सुख से सुविधाओं से भर जाएगा। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर मुझे घंटे का निशान है उसे अवश्य दबा दें। ये बिल्कुल ही फ्री है, लेकिन ऐसा करके आप हमारा लाखों करोड़ों का मनोबल अवश्य पढ़ा देंगे। आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम रोज लाते रहेंगे। आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य आ रहा होगा कि हम कह रहे हैं कि आप ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया करवा दी है, आपके जीवन को बर्बाद करने की पूरी व्यवस्था कर दी है, लेकिन आखिर कोई ऐसा करेगा क्यों? ऐसा करने में उसका फायदा क्या है? और सबसे बड़ी बात है कि आपने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, तो कोई भला आपके ऊपर इस प्रकार की क्रिया क्यों करेगा? या प्यारे दोस्तों, इसका सीधा सा एक ही जवाब है, जलन। हम बता दें आपको, आपके अंदर प्राकृतिक तौर पर कुछ ऐसे गुण भगवान ने दिए हुए हैं कि आप जीवन में सफल हो, असफल हो, ऊंचाई पर हो या फिर जमीन ही नहीं चाय पर ही क्यों ना हो, लोग आपसे हर वक्त जल्दी रहते हैं और जलने वाले लोग कोई बाहर से नहीं आते हैं, आपके अपनों में ही शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, यकीन मानिए कि आपकी राशि की सबसे बड़ी और कठिन बात यही है कि आपकी जलने वाले आपके अपने में ही शामिल होते हैं। यानी कि आपको जब भी जीवन में कोई बड़ा अनिष्ट का सामना करना होगा, बड़ी परेशानी का सामना करना होगा, तो वह आपके अपनों से ही आपके प्राप्त होगी। आपके शत्रु और बाहर वाले लोग तो आपका कुछ भी बिगाड़ ही नहीं सकते हैं। जब भी आपको चोट पहुंचेगी, चोट पहुंचाने वाला आपका अपना ही होगा। यह आपके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक है और दुख की बात है प्यारे दोस्तों, क्योंकि जहां आपको अपनों से ही धोखा, झूठ और परेशानी मिलेगी, वहीं आप एक ऐसे इंसान हैं जो बेहद है, आवक है। आप अपनों की खुशियों के लिए ही जीते और मरते हैं। आप अपनों की खुशियों को पाने के लिए अपनी खुद की खुशियों क्या कर देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि आपने स्वयं के बारे में ना सोचकर अपनों के बारे में सोचा है, उनकी खुशियों की और उनके जीवन के बारे में सोचा है, खुद की खुशियों की कुर्बानी दे दी है। ऐसे में जब कोई अपना ही आपकी ईद में छुरा घोंप ईगा आपके बारे में कुछ ऐसा बोलेगा या करेगा जो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो उसे जानकर तो दुख होगा ही। आप हो और आप बहुत ही भावुक इंसान हैं, इस वजह से आप इन सब बातों को दिल से लगा लेंगे और आपका दिल टूट जाएगा प्यारे दोस्तों। लेकिन ये तो ईश्वर का विधान है, नियति है कि आप तो ये सुना ही होगा। ये तो बात रही कि आपको किस प्रकार से अपने ही परेशान करेंगे, इस प्रकार से अपने ही आपको चोट पहुंचाएंगे। लेकिन इस बात का क्या प्रमाण है कि आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई है और आप सतर्क रहने की जरूरत है या फिर किसी उपाय की आवश्यकता है जिससे इस तांत्रिक क्रिया की काट की जा सके? तो प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिए, हम आपको 5SS संकेत बताएंगे, क्योंकि आपके जीवन में निश्चित तौर पर मौजूद हैं और जो प्रमाण होंगे कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है। लेकिन प्यारे दोस्तों, हम आपको पहले ही बता दें कि तांत्रिक क्रिया है जीवन को कैसे प्रभावित करती है। जैसे कि एक धीमा जहर यूं धीरे धीरे इंसान की जान ले लेता है और उसे पता भी नहीं चलता है उसे किसी ने जहर दिया है, ऐसी तांत्रिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करती है। और जिस इंसान पर यह क्रिया की जाती है उसे सब कुछ सामान्य होने का भ्रम बना रहता है, और विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी उसके मन में कभी इस बात का ख्याल तक नहीं आता कि उसके ऊपर किसी प्रकार की क्रिया की गई है। बस यही सबसे खतरनाक बात होती है। इस प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं की तो ध्यान से सुनिए, 5 संकेत कौन सी है और पता लगाइए कि आपके ऊपर इनमें से कितनी संकेत मिलते हैं। यदि एक दो संकेत भी आपके जीवन में मौजूद हैं,
निश्चित तौर पर समझ जाइए कि तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर की गई है। सबसे पहला संगीत है जो कि मानसिक है। प्यारे दोस्तों, आपके मन से जुड़ा हुआ है। आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी का एहसास रहेगा। कभी कभी तो आपकी बेचैनी इस हद तक बढ़ जाएगी, आपको लगेगा कि स्थिति जीने मरने जैसी हो गई है। कहीं भी आपको सुकून नहीं मिलेगा, चाहे आप घर में हो या बाहर हो, जहां भी जाएंगे बेचैनी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। कुछ ऐसा अनजाना शायद आपको सताता रहेगा और आपको अंदर ही अंदर खाए नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी यह बेचैनी और चिंता आपके पूरे जीवन को ही खा जाएगी। लेकिन आप जब किसी से बात करने के लिए बैठेंगे तो इस बेचैनी के बारे में किसी को पता भी नहीं पाएंगे, खुलकर आप बात भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि आपकी कुछ हमदर्द, आपकी प्रेमी आपकी तकलीफ को भाग लेंगे और आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप चाहकर भी अपनी तकलीफों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं आएंगे। यानी कि अंदर ही अंदर आपकी घुटन रहेगी, लेकिन बाहर आप किसी को इस बारे में एक शब्द भी बता नहीं पाएंगे कि आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा होगा। आखिर आप बेचैनी, घबराहट, चिंता का तनाव है तो है क्यों दुख दुख दुख? इसका संबंध आपके जीवन से नहीं है, इसका संबंध आपकी आत्मिक उड़ जाती है। जब कोई नकारात्मक क्रिया किसी इंसान के ऊपर की जाती है तो वह इंसान का मस्तिष्क इन बातों का पता नहीं लगा पाता, क्योंकि वह इस संसार की भाग दौड़ में खोया हुआ रहता है। लेकिन उसकी पवित्र आत्मा इसका पूरी तरह से आभास कर लेती है और यही आत्मा की बेचैनी उसे महसूस होती है और अंदर ही अंदर एक घुटन का एहसास कराती है। बस यही आपके साथ भी हो रहा है ना? यकीन हो तो अपने जीवन में विचार करके देखिए। जब भी आप अकेले में बैठते हैं, शांत बैठे हैं, तो आपके मन में विचारों की एक लहर सी दौड़ती है। कुछ ऐसा आपको ख्याल आता रहता है कि कुछ अनिष्ट, कुछ बुरा होने वाला है, तो यह संकेत है। बहुत छोटा था लेकिन यह बहुत ही शक्तिशाली है। यह संकेत इस हद तक शक्तिशाली है, कई बार बेचैनी और घबराहट मिल लो आत्महत्या तक को स्वीकार कर ली थी, क्योंकि भी सही नहीं पाते हैं। इस प्रकार की बेचैनी को अब यह आपकी मानसिक मजबूती पर भी निर्भर करता है कि आप किस हद तक इसे सह पाते हैं और इसका तोड़ निकाल पाते हैं। प्यारे दोस्तों, इसका तोड़ केवल एक ही है और वह हम आपको ज्योतिष कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। अब सुनिए दूसरा संकेत, कि दूसरा संकेत आपके शरीर से जुड़ा हुआ है। पहला संकेत आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ था, दूसरा संकेत आपके शरीर से जुड़ा हुआ है। आपके चेहरे का रंग पीला पड़ने लगे, आपके होंठ हमेशा सुखी रहेंगे, मुंह में आपके लायक बहुत ही कम बनेगी और आप वैसे तो भूख लगे कि नहीं, और यदि आपको जब भूख लगेगी तो आप खाना खाने जब बैठेंगे तो फिर आपकी खाना खाने की इच्छा ही नहीं करेगी। यानी कि आपको भी भूख लगेगी लेकिन आप खाना नहीं खा पाएंगे, थोड़ा बहुत खाना खाकर ही उठ जाएंगे। यानी कि शरीर के स्तर पर भी आप धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, आपका स्वास्थ्य दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब आप यह सब सामान्य लगेगा, आपके चाहने वालों को ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी तबीयत खराब है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपका मन नहीं करेगा कि आप डॉक्टर के पास जाएं और दवाई लेकर कि आप ऐसा बिल्कुल सामान है। लेकिन प्यारे दोस्तों, डराने वाली बात यह है कि मान लो आप किसी डॉक्टर के पास चले भी गए और आपने दवाई ले भी ले, तो भी आपको उससे कोई विशेष लाभ होगा नहीं। एक दो दिन सामान्य रहने के बाद आप फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे, जब आपका शरीर हमेशा थका थका सा रहेगा, ऊर्जा की कमी से आप जूझते रहेंगे, स्वास्थ्य आपका ऐसा लगेगा जैसे गिरा हुआ है। भूख प्यास की कमी और लगातार गिरती हुई सेहत, कई लोग अपने अपने आसपास ऐसे देखे होंगे जो पहले बहुत ही तगड़ी थे, फर्स्ट पोस्ट थे, बहुत ही अच्छी उनकी सेहत की, कुछ अचानक ऐसा हुआ कि उनकी सेहत दिनों दिन गिरती चली गई और एक स्थिति वह आ गई कि वे एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गए, फिर उनका बचना लगभग नामुमकिन हो गया। ये प्यारे दोस्तों, ये भी बहुत खतरनाक योग है और तांत्रिक क्रिया की वजह से ही ऐसा होता है। नहीं तो आप खुद विचार करके देखिए प्यारे दोस्तों, की कोई सामान्य बीमारी यदि ऐसी हो तो उसका तो इलाज हो जाएगा, लेकिन इस तरह के रोग का कोई इलाज नहीं है। अब तीसरा संकेत ध्यान से सुनिए। पहला संकेत आपकी आत्मा आपके मन से जुड़ा था, दूसरा आपके शरीर से, और तीसरा आपकी दुनियादारी और समाज से। जिन पर आप बहुत अधिक भरोसा करते थे आपको धोखा देंगे, जिन लोगों से आप बहुत प्रेम करते हैं आपको बदले में उतना प्रेम नहीं देंगे, आपको नफरत देंगे,
आपके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें बोल देंगे जो आपको बहुत चुके हैं कि मन ही मन आपको बहुत दुख हो जाएंगे। हालांकि आप इन सब बातों के बारे में ज्यादा लोगों से चर्चा नहीं करेंगे, अपने मन की बात मन में ही रखेंगे। ले अंदर ही अंदर आप बहुत कुठेंगे, बहुत तकलीफ साहित्य यानी कि समाज से, दुनियादारी से आपको वह प्राप्त नहीं होगा जो आप कह रहे हैं। आप अपने कार्यस्थल पर बहुत मेहनत करेंगे, तभी आपके उच्च अधिकारी आपका अपमान कर देंगे, आपके बदले किसी और को पदोन्नति दे देंगे, जबकि आप उस पदोन्नति के पूरे हकदार हैं। आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। जिस काम को आप पूरे मन लगाकर करेंगे, अक्सर वही काम खराब हो जाया करेगा। व्यापार में भी स्थिति यही रहेगी कि आप जिस व्यापार में हाथ डाल देंगे उसमें आपको नाकामी हाथ लगेगी। स्थिति ऐसी बन जाए, क्योंकि जो व्यापार चल भी रहा है वह लगातार कम होता चला जाएगा और एक स्थिति ऐसी बनी कि यह पूरी तरह से बंद ही हो जाएगा, यानी कि प्राप्त नहीं होगा जो आप उसे दे रहे होंगे, जैसे आप उम्मीद होगी। यह स्थिति भी बहुत भयानक है, क्योंकि यह आपके मन में एक भयंकर बेचैनी और चिंता का कारण बनेगी। और इन सब बातों की वजह से प्यारे दोस्तों आपका मन करे लगेगा, जस्ट इन हाथों से आपका भरोसा उठने लगे गाना, और आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में सब कुछ बेकार है, चाहे कितना ही प्रयास करो बदलाव नहीं आएंगे, जीवन आपका इसी प्रकार बीत जाएगा, यानी कि संघर्ष में और कठिनाइयों में। और दुख की बात तो यह है कि कोई भी आपकी इन तकलीफों को कभी समझ नहीं पाएगा। अब सुनिए अगला संकेत, यह ईश्वर से जुड़ा हुआ है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। याद रखिए कि एक जगह पर एक ही प्रकार की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक, और तांत्रिक क्रिया एक नकारात्मक किया है। यह प्यारे दोस्तों जैसे हम काली के लिए भी कहते हैं तो ऐसे में होगा। यह प्यारे दोस्तों उनकी पूजा पाठ का माहौल यदि आपके घर में बन गया, यानी कि कोई हवन पूजन वगैरह हुआ, तो आप वहां पर मौजूद नहीं रह पाएंगे। यदि आप वहां पर होंगे भी तो आप उस जगह को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर आपको बहुत बेचैनी होगी, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, बात बात पर आप आग बबूला हो जाएंगे, माहौल खराब होने लगेगा, तो आप वहां से चले जाएंगे। दूसरा ये होगा कि मंदिर में और पूजा पाठ में आपका पूरा भरोसा उठ जाएगा, भगवान में आपकी कोई आस्था नहीं होगी। कभी कभी स्थिति ऐसी बनती है प्यारे दोस्तों की जातक के मन में भगवान के लिए भक्ति खूब होती है, पूजा पाठ का मन भी खूब होता है, लेकिन वह जातक चाहकर भी किसी विशेष पूजा पाठ को कर नहीं पाता है, छोटी से छोटी पूजा को भी वह नित्य नहीं कर पाता है, रोज नहीं कर पाता है, उसका संकल्प अक्सर होता रहता है। हालांकि वह चाहता बहुत है कि वह भगवान की भक्ति करें, पूजा पाठ करें, धार्मिक कार्य करें और ईश्वर से जुड़े, लेकिन वह चाह कर भी इन कार्यों को कर नहीं पाएगा। अब मानकर चलिए कि आप पूजा करने के लिए बैठे तो दीपक की बाती जली की ही नहीं, दीपक जलेगा भी तो बीच में ही बुझ जाएगा, कोई ना कोई अशोक घटना की रहेगी। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप पूजा करने बैठेंगे आपको नींद आ जाएगी, कोई जाप किया या हनुमान चालीसा का पाठ किया या कोई और पाठ किया तो बीच में ही नींद आ जाएगी, या फिर आपको पूजा पाठ के बीच में ही सोच वगैरह जाने की तीव्र इच्छा होगी। प्यारे दोस्तों उन कुल मिलाकर कहा जाए तो पूजा पाठ से आपको यह तो ना हो जाएगी, या फिर पूजा पाठ करने की इच्छा होते हुए भी आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यदि आप पूजा पाठ करने लगे तो फिर तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव आपके ऊपर से अपने आप इतने लगेगा, क्योंकि ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आने लगेगी तो फिर नकारात्मक ऊर्जा को जाना ही होगा। तो नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं चाहेंगे कि आप किसी प्रकार की पूजा पाठ करें, इसलिए आप कोई भी पूजा पाठ का कर्म किसी भी कीमत में पूरा नहीं हो पाएगा। कुछ और भी संकेत हैं जो आपके घर से जुड़े हुए हैं। आप अपने घर पर नजर रखें, आपके घर में किसी जानवर का मर जाना, ये प्यारे दोस्तों जैसे कि कोई सांप है, कोई अच्छी है, या फिर कोई जीव जंतु चूहा वगैरह है, यदि आपके घर से मरा हुआ जीव जंतु पाया जाए तो यह भी तांत्रिक क्रिया का प्रमाण है। आप किसी गाय या कुत्ते को कुछ खाने के लिए देते हैं, कोई रोटी वगैरह देते हैं, तो वह उसे खाए कि नहीं रूठ कर चली जाएगी, लेकिन खाए कि नहीं दोस्त, साथ ही साथ आपको ऐसा भी महसूस होगा कि आपके आस पास कोई है, कोई आप पर नजर रख रहा है, किसी ने किसी के साथ होने का एहसास आपको हमेशा होता रहेगा, खास तौर से अकेले होने के समय। इसी के साथ साथ आपके घर में कुछ ऐसी सामग्री मिलना
जो कि कुछ अजीब सी हो, जैसे कि नींबू का, सिंदूर का, राई का, हड्डी का या फिर लाल रंग के कपड़े का, एक अजीब सी स्थिति में मिलना, ऐसा लगना जैसे कि किसी ने जानबूझकर कुछ प्रिया करके आपके घर में छोड़ा है, तो यह सब प्रमाण है कि आपके ऊपर आपके घर में किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई। रात्रि को आपकी आंख याराजा, उसे दो हो डिला, उसके बीच खुल जाना। प्यारे दोस्तों, आपको अक्सर रात्रि के समय ऐसा लगा जैसे किसी ने आपको आपके ही नाम से बुलाया है और आपकी आंख खुल जाएगी। डरावने सपने आएंगे, नींद आएगी। वैसे तो नींद आएगी ही नहीं, और यदि नींद आई थी तो एक एंकर डरावने सपने के साथ आपकी नींद खुल जाएगी। या दोस्त, तो इन संकेतों को देखें और पता लगाएं कि किस प्रकार आपके जीवन को यह तंत्र के लिए प्रभावित कर रही है। अब आपको हम बताते हैं कि आपको इस तंत्र क्रिया से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, क्या काली और उपाय आपको करने होंगे। दोस्त, सबसे पहला काम आपको करना है कि आप एक साथ पर के जीवन अपनाना है, यानी कि आपको नकारात्मक चीजों से, नकारात्मक विचारों से और तामसिक भोजन से ज्यादा मिर्ची मसाले वाले भोजन से और मांस मदिरा आदि से दूर रहना है। ये सबसे पहला कार्य जो आपको करना होगा। इसी के बाद दूसरे कार्य प्रारंभ होंगे। प्यारे दोस्तों, जब भी आप स्नान करें तो अपने स्नान करने वाली पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक और गंगा जल अवश्य करें। इससे आप जो नकारात्मक वातावरण है, तांत्रिक क्रिया है, वह कमजोर पड़ने लगी। कि प्यारे दोस्तों, शाम के समय अपने घर के आंगन में आपको एक कटोरी में थोड़ा सा कपूर और लोबान अवश्य जलाना है। इसका दुआ आपके घर में चलना चाहिए और आपकी आंखों में और आपके नजदीक या दूर रहना चाहिए, यानी कि आपको वहीं थोड़ी देर के लिए रोकना है। अब आपको करनी है आपके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया की गई है उसकी सबसे बड़ी कार। और प्यारे दोस्तों, ने कोई भी तांत्रिक क्रिया की काठी यदि आपको करनी है तो आपको केवल दो ही देवी देवता हैं जो इससे मुक्ति दिला सकती हैं, या तो कोई महाशक्ति यानी के काली या बगलामुखी का कोई भी स्वरूप, शक्ति का कोई भी स्वरूप आपको तांत्रिक क्रिया से मुक्ति दिला सकता है, या फिर स्वयं हनुमान जी, शंकर जी। लेकिन शंकर जी का प्रयोग किसी भी तांत्रिक क्रिया से मुक्ति दिलाने के लिए लोग नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है शक्ति के स्वरूप मां बगलामुखी का दोस्त। मुखी विशेष तौर से तांत्रिक क्रियाओं की कार्ड की देवी के तौर पर ही जानी जाती हैं, और इनकी पूजा करने वाले साधक को अपने आप वाक सिद्धि धन से थी और किसी भी प्रकार की काली क्रिया से मुक्ति अपने आप प्राप्त हो जाती है। प्यारे दोस्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली साधना है। लेकिन प्यारे दोस्तों, याद रखिए कि जिस प्रकार रोग बड़ा होता है उसी प्रकार उसका इलाज भी बड़ा ही होता है। तो आपको रातों रात को कुछ भी नहीं हो जाएगा, थोड़ा समय अवश्य लगेगा, प्रयास अवश्य करना होगा। तो आपको हल्दी की माला से इस मंत्र का जाप करना होगा जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। इस मंत्र का आपको 108 जाप करना है, यानी एक माला जाप करना है। अब आपको जॉब करने के लिए कम से कम 36 दिनों तक यह प्रयोग लगातार करना होगा। जी हां प्यारे दोस्तों, साधना अवश्य लंबी है, लेकिन हम गारंटी देते हैं कि साधना समाप्त होते होते आपके अद्भुत बदलाव आएंगे। प्यारे दोस्तों, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन में पड़ी कष्ट झेले, बहुत परेशानियां झेली, लेकिन मां बगलामुखी की शरण में जाने के बाद कुछ समय अवश्य लगा, क्योंकि देवी देवता तुरंत कुछ भी इसी के लिए नहीं कर देती हैं। जी, आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब आप उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, अच्छे नंबरों से पास होते हैं, तो फिर आपको बहुत कुछ मिलता है। तो मां बगलामुखी की साधना करने वाले साधक को कुछ सब कुछ मिला है, उन्होंने जो सोचा नहीं था उससे कहीं ज्यादा मिला है। तो बस आपको भी यही करना है। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से देखें, इसे नोट कर लें और उसका प्रयोग करना शुरू करें। प्यारे दोस्तों, मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम हीम बगलामुखी, सर्व दूसरा नाम बादशाह, मुख पदम स्तंभ है, जीवन की बुद्धि विनाश, आइसक्रीम ओम स्वाहा। प्यारे दोस्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस तरह खुले में इस मंत्र को कभी बताया नहीं जाता है, लेकिन हम आपकी भलाई के लिए इस मंत्र को बता रहे हैं। और शक्तिशाली मंत्र है तो उस तो थोड़ी बहुत सावधानी आपको अवश्य रखनी है। इस मंत्र का प्रयोग आपको शनिवार के दिन से प्रारंभ करना है, रात्रि में ही इस मंत्र की साधना करनी है। माता बगलामुखी की फोटो या फिर मूर्ति आपको मिल जाए, मूर्ति ना मिले, फोटो मिले ज्यादा बेहतर रहेगा। फोटो आपको अपने सामने रखनी है, पीले रंग के वस्त्र आपको पहनने हैं,
नीले रंग का बाप को आसन रखना है। माता को जो आप आसन रखेंगे वह भी पीले रंग का होना चाहिए। पीले रंग के पोस्ट पर पीले रंग का प्रसाद और हल्दी की माला से आप इस जॉब को करेंगे। प्यारे दोस्तों, आपको रोज एक माला करनी है इस मंत्र की और कम से कम 36 दिनों तक यह प्रयोग लगातार चलता रहेगा। बीच में एक भी बार यह पियो खंडित नहीं होगा और इस प्रयोग के दौरान आपको खानपान का विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही खानपान रखेंगे, सकारात्मक रहेंगे, नकारात्मक चीजों से, नकारात्मक लोगों से पूरी तरह से दूर रहेंगे और साधारण जीवन जिएंगे। प्यारे दोस्तों, किसी महिला का अपमान नहीं करेंगे, विकारी को अपने दरवाजे खाली हाथ जाने नहीं देंगे और गलत तरह से धन कमाने की कोशिश नहीं करेंगे। बस इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। यकीन मानिए, यह साधना पूर्ण होने से पहले ही यानी कि 6 से 7 दिनों में यह साधना अपना कार्य करना शुरू कर देगी। आपको अद्भुत परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। जीवन में ऐसे ऐसे मौके मिलेंगे कि आप बहुत कुछ कर पाएंगे, अपने आप को साबित कर पाएंगे। हर एक सुख सुविधा आपकी झोली में आ गई थी ना प्यारे दोस्तों, बस आप इस साधना को एक बार प्रारंभ करिए। यदि आपको इस साधना और पूजा पाठ से संबंधित और विज्ञान चाहिए तो आप कमेंट में हमें बताइए, हम इस साधना के विषय में एक खास ज्योतिष कार्यक्रम बनाकर आपको दे देंगे। प्यारे दोस्तों, जीवन को बदल देने वाला प्रयोग है और ही विशेष साधना है। और दोस्तों, इसके साथ ही आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 2 दिनों का समय जो ग्रह गोचर बना रहे हैं वह बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है। आपको लाभ के नए नए अक्षर देने वाले हैं। जो लोगों को बिजनेस व्यापार में बहुत ज्यादा घाट का सामना करना पड़ रहा था, अब उनकी तरक्की होने वाली है क्योंकि इसमें गुरु की स्थिति बहुत ही अच्छी है, जिनके कारण लाभ की बहुत ज्यादा संभावना है। जी हां दोस्तों, और उनके साथ साथ जो लोग के घर परिवार में पैसों की आर्थिक संध्या चल रही थी, उनके जीवन में अब पैसे से जुड़ी बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है। और अगले 48 घंटे के अंदर आपके लव लाइफ और स्वास्थ्य की बात करें तो लव लाइफ और स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में मधुरता आने वाली है और स्वास्थ्य में स्थितियां पहले से बेहतर होगी। ज्यादा तनाव लेने की कोशिश ना करें, बाकी सब कुछ सही रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि आप हमारी बातें समझ में आई हैं, अच्छी लगी है, तो उन्हें जीवन में अवश्य उतारें, उनका लाभ अवश्य ले। प्यारे दोस्तों, मेहनत करने से ही हल प्राप्त होती है, यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपको यह बात बताने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत बुद्धिमान हैं, हर बात को अच्छी तरह से समझते हैं। तो इसी के साथ साथ आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को विराम देते हैं। कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछो, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कमेंट में जय मां भवानी, जय मां बगलामुखी रक्षा करो अवश्य लिखें, माता की निश्चित तौर पर अच्छा करेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञान वर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।